हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS प्लम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, और उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कुशन डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले हम लोग जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए हैं उनको एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे, और उसके बाद से फिर इसी कंटिन्यूटी में हम लोग बात करेंगे कुशन डायनेस्टी की, और देखेंगे आखिर में कि ये जो कुशन डायनेस्टी है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही थी। ठीक है, फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट, लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर अवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्लिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। फटाफट एक बार वो जरा क्विकली रिवाइज करते हैं जो हम लोगों ने देखा है। तो सबसे पहले मैंने बात किया हुआ था कि जो इंडिया में इन्वेजन हुआ था वो ग्रीक ने किया था, और ग्रीक ने ही सबसे पहले अलेक्जेंडर ने किया हुआ था, और अलेक्जेंडर के बाद अल्टीमेटली इसके जो कमांडर्स थे उन कमांडर्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट कमांडर जिसका नाम सेल्यूकस था, सेल्यूकस निकेटर, ये बेसिकली सबसे पहले अटैक किया हुआ था। किसके टाइम पे? मौर्यन के टाइम पे। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजा था। दिस वॉज द चंद्रगुप्त मौर्य, और इस समय मौर्यन डायनेस्टी इंडिया में चल रही थी। इसके बाद से सेल्यूकस निकेटर के बाद फिर अल्टीमेटली निरियाकस एंड ऑल दैट बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन सेल्यूकस की कह लीजिए कि डेथ के बाद यहां पर सिस्टम थोड़ी सी, यहां पर जो पॉलिटिक्स है बेसिकली वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। एज पार्ट ऑफ द चेंज यहां पर दो डायनेस्टीज निकल करके आ जाती है, और ये डायनेस्टी अलग अलग एरिया से थे। मतलब फॉरेन के अगर बारे में बात करें तो एक तो ग्रीक एरिया था, दूसरा एक बैक्ट्रिया एरिया हो गया था, और तीसरा एरिया पार्थियन एरिया था। इन दोनों में अलग अलग रूलर थे, जिसमें हम लोगों ने पहले बात किया था डायोडोटस को लेकर के, वन डायोडोटस टू, और यहां पर पार्थियन एरिया में आर्सेकस राजा बना हुआ था। डायोडोटस टू इसके साथ में एक शांति वार्ता कर लेता है, पीसफुल ट्रीटी कर लेता है, लेकिन अल्टीमेटली बाहर से आकर के यूथिडेमस ने अटैक कर लेता है, और यूथिडेमस अल्टीमेटली जब अटैक करता है तो बैक्ट्रिया पर यूथिडेमस का अधिकार हो जाता है, इसका कैप्चर कर लेता है। अल्टीमेटली ग्रीक में जो एंटियोकस थ्री इस समय चल रहे हैं उनके साथ में इनकी वार्ता होती है, बातचीत होती है, और अल्टीमेटली यहां से डेरियस शादी कर लेता है, डेरियस का शादी हो जाता है एंटियोकस थ्री के डॉटर के साथ में, और अल्टीमेटली डेरियस वंश, डेरियस डायनेस्टी चल रही होती है, जिसमें हम लोगों ने मिनांडर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चर्चा की हुई थी। लेकिन ये केवल और केवल जो एरिया चल रहा था वो तो वेस्टर्न पार्ट चल रहा था, मतलब कि अगर डेरियस की डायनेस्टी के बारे में बात किया जाए तो दिस वॉज द एरिया वेयर डेरियस डायनेस्टी वॉज प्रिवेलेंट, यहां पर डेरियस डायनेस्टी थी। लेकिन यहीं पर तक्षशिला के पास में एक छोटी सी और डायनेस्टी थी जिसका नाम था यूक्रेटियस, दिस इज यूक्रेटियस। ये यूक्रेटियस और डेरियस इन दोनों के साथ में बेसिकली मौर्यन टाइम पे कंपटीशन चल रहा था। हालांकि ये जो डेरियस है मौर्यन के बाद से शुंग डायनेस्टी के टाइम पे आते हैं, तो ये बेसिकली शुंग डायनेस्टी है, नॉट द मौर्यन डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के साथ में इनका कंपटीशन चल रहा था, और साथ ही साथ जो यूक्रेटाइड्स थे ये डिप्लोमेटिक तरीका अपनाए थे, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डिप्लोमेटिक तरीका, और इस डिप्लोमेटिक तरीके में इन्होंने एक गरुण पिलर भिजवाया था शुंग डायनेस्टी के रूलर को, शुंग पुष्यमित्र शुंग को, और इस तरीके से बेसिकली डिप्लोमेटिक तरीके से रिलेशन मेंटेन करके रखे हुए थे। तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया कि यहां पर जो है कुछ डेरियस चल रहा है और यहां पर जो है यूक्रेटाइड्स है। अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली शक आ जाते हैं, और शक क्यों आते हैं, क्योंकि वही यूची के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। यूचीज के हालांकि लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने थोड़ी सी इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखी थी, यूची इन पर अटैक करते हैं और शक जो है बेसिकली इंडिया में एंटर कर जाते हैं, और इस शक जब एंटर करते हैं बेसिकली तो यहां पर जो डेरियस का डायनेस्टी रहता है वो थोड़ी वीक हो जाती है और अल्टीमेटली उसको हटा देते हैं। यहां पर जो शकाज हैं या सीथियंस जो हैं उनके पांच फॉर्मेट हम लोगों को देखने को मिला था, जिसमें से एक एरिया था जो अफगानिस्तान के एरिया में रुक के गए थे, दूसरा एरिया जो नदन एरिया का था, तीसरा एरिया था जो वेस्टर्न एरिया में ये थे। नदन एरिया में हम लोगों ने देखा था कि यहां पर मथुरा, और साथ ही साथ दूसरा एक तक्षशिला का एरिया था जो कि सीथियंस के कब्जे में आया था। वेस्टर्न वाले इलाके में हम लोगों ने देखा था कि नासिक था, और साथ ही साथ में एक दूसरा इलाका उज्जैन था। यहां पर हम लोगों ने देखा था कि मथुरा और तक्षशिला के एरिया में, यहां पर तक्षशिला जिसमें एज्यूज और माउस और जो रूलर्स थे वो बहुत ही जल्दी यहां पर डिक्लाइन हो गया था।
डिक्लाइन होने का रीजन यही था क्योंकि यहां पर कुशन से पहले हालांकि पार्थियंस ने अटैक कर दिया था, और ये जो पार्थियंस ने अटैक किया था इसमें पार्थियन रूलर रहता है गोंडोफर्नीज, दिस इज गोंडोफर्नीज, इसी के बारे में हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे गोंडोफर्नीज के बारे में। तो एक आइडिया लग गया बेसिकली किस तरीके से कौन कौन सी डायनेस्टीज चल रही है। तो एक बार मैं फटाफट आप लोगों को क्विकली रिवाइज करा देता हूं। यहां पर ये जो तक्षशिला का रीजन है इस रीजन में गोंडोफर्नीज का अटैक होगा, दिस इज गोंडोफर्नीज, और इस गोंडोफर्नीज के मतलब अटैक करने के कारण से जो नॉर्दर्न पार्ट है उस एरिया में पार्थियन डायनेस्टी आ जाएगी। तो यहां पर पार्थियंस आ जाएंगे, दिस विल बी द एरिया वेयर पार्थियन विल रूल, तो यहां पर ये पार्थियंस आ जाएंगे। लेकिन यहां पर यहां तो अभी भी शकाज है, यहां तो है कि नहीं, ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये तो काफी देर तक थे, इनफैक्ट इसके बाद से सातवाहन डायनेस्टी भी आ जाती है, और सातवाहन के साथ में हम लोगों ने देखा था कि जो शक रूलर था रुद्रामन उसके साथ में गौतमी पुत्र सतकर्णी का जो लड़का रहता है उसकी शादी हो जाती है शिवश्री सतकर्णी। तो यानी कि बेसिकली ये जो शकास डायनेस्टी है काफी दिनों तक रहती है, इनफैक्ट सातवाहन के एंड टाइम तक बनी रहती है, और ये यज्ञश्री सतकर्णी के टाइम पर ये एरिया जाकर के कैप्चर होता है। तो यानी कि शक जो है काफी टाइम तक थे, उससे पहले एक पैरेलली पार्थियन डायनेस्टी आ जाएगी और अल्टीमेटली पार्थियंस को रिमूव करके कुशंस आ जाएंगे। तो एक कहानी पूरी आप लोगों को कनेक्ट हो गई कि किस तरीके से टॉप में डायनेस्टीज चेंज हो रही है। इन विद इन इंडिया डायनेस्टी कौन सी चल रही है, पहले शुंग डायनेस्टी चल रही थी, इस शुंग डायनेस्टी के बाद कर्ण डायनेस्टी आती है, और इस कर्ण डायनेस्टी को बेसिकली रिप्लेस कर दिया जाता है सातवाहन के द्वारा, जो कि बहुत पहले से ही थी, और इस पूरे के पूरे एरिया को ये कैप्चर कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो एरिया है वो पूरा का पूरा सातवाहन डायनेस्टी के अंडर में आ जाता है। हालांकि सातवाहन को हम लोग डिस्कस किए थे और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सातवाहन भी देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एक तो वाकाटक डायनेस्टी आ जाती है जो महाराष्ट्र के रीजन में आ जाती है, महाराष्ट्र के छोटे से प्रतिष्ठानपुर वाले एरिया में थोड़ा सा पार्ट बचा रहता है सातवाहन के अपने अंतिम टाइम का, जो ईस्टर्न पास्ट पार्ट है यानी आंध्रा का पार्ट है, यहां पर इक्ष्वाकु डायनेस्टी वापस से आ जाती है, और लास्टली जो है पल्लव डायनेस्टी आ जाती है। तो इन लोगों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या चीज है। फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं पहले गोंडोफर्नीज यानी पार्थियंस के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे कुशंस के बारे में। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं कहानी, आप लोगों को एक कनेक्शन मिल गया होगा लास्ट क्लासेस से, और इंडिया में भी एक कंटिन्यूटी मेंटेन हो गई होगी कि किस समय कौन सा रूलर इंडिया में है, और साथ ही साथ में कौन सा किसके कंटेम्प्ररी है। तो फटाफट शुरू करते हैं सबसे पहले पार्थियंस के बारे में। तो पार्थियंस के बारे में अगर देखा जाएगा तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो तो गोंडोफर्नीज है, बट यहां का जो फर्स्ट रूलर रहता है उसका नाम रहता है मिथेड्रेट्स, दिस इज मिथेड्रेट्स। नाम याद रखना उतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये जो मिथेड्रेट्स रहता है ये यूक्रेट्राइड्स के कंटेम्पररी रहता है, तो दिस इज कंटेम्पररी टू यूथ्रेड्रेट्स। ये वही यूथ्रेड्रेट्स है जो डेरियस के अगेंस्ट में था, मतलब कि डेरियस और यूथ्रेडेस ये दोनों के दोनों शुंग डायनेस्टी के एक साथ में कंटेम्पररी थे ये कह सकते हैं। इसी ने वो गरुड़ स्तंभ यानी कि गरुड़ पिलर भेज करके डिप्लोमेटिक तरीके से शुंग के साथ में एक रिलेशन मेंटेन किया हुआ था। तो आइडिया लग गया यहां पर क्या चीज है। अच्छा, यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है उसका नाम है गोंडोफर्नीज। इसने अटैक किया था जो भी ग्रीक मतलब जो भी उस समय के शक थे तक्षशिला पे, और अल्टीमेटली इस तरीके से यहां पर एज्यूज टू का एम्पायर खत्म हो जाता है, और गोंडोफर्नीज फिर पार्थियन डायनेस्टी को लेकर के आता है। ये इसके बारे में जो जानकारी है गोंडोफर्नीज, इसके बारे में जो जानकारी है वो मिलती है एक इंस्क्रिप्शन से, दिस इज द इंस्क्रिप्शन, और इस इंस्क्रिप्शन का नाम है तख्त ए बाही, दिस इज तख्त ए बाही। यहां से पता चलता है इस गोंडोफर्नीज के बारे में। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इस समय तक जो क्रिश्चियनिटी थी वो अपने राइज पर आ गई थी, मतलब कि आफ्टर फर्स्ट एडी क्रिश्चियनिटी आ चुकी थी, और क्रिश्चियनिटी आने के बाद इसका राइज होना शुरू हो गया था, और इसके लिए जितने भी क्रिश्चियन प्रीस्ट थे वो प्रीस्ट बेसिकली जो है वो वर्ल्ड वाइड घूमना शुरू कर दिए थे और क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन करना शुरू कर दिए थे।
एज पार्ट ऑफ दिस प्रमोशन इंडिया के साइड में भी एक प्रीस्ट आते हैं जिनका नाम रहता है सेंट थॉमस। ये सेंट थॉमस जो है वो गोंडोफर्निस के ही टाइम पर आते हैं। यहां पर तो आते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जब ऊपर से नीचे की ओर में जाते हैं मतलब साउथ इंडिया के साइड में जाते हैं तो इनकी हत्या कर दी जाती है। जो थॉमस है उनका किलिंग हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो इस तरीके से छोटी सी स्टोरी है जो गोंडोफर्निस के बारे में है। बाद में हालांकि गोंडोफर्निस को वापस से कुशंस के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है और यहां पर कुशंस की डायनेस्टी आ जाती है। तो पार्थियन बहुत ही छोटा सा है, फटाफट आप लोग समझ भी गए होंगे। इसके बारे में थोड़ी सी आर्ट एंड कल्चर और इससे रिलेटेड पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटर एट द टाइम ऑफ पार्थियंस क्या थी वो देख लेते हैं। तो दे मूव्ड फ्रॉम द पार्थिया, यानी कि ईरान से इंडिया में आए थे। इसकी जो टेरिटरी थी वो काफी छोटी सी टेरिटरी थी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया की, जहां पर इंडो ग्रीक के कंपेयर में मतलब अशक के कंपेयर में काफी स्मॉल थी। इनफैक्ट दे रिप्लेस्ड द ग्रीक्स, बट पूरे के पूरे ग्रीक पूरे पार्ट में नहीं, कुछ पार्ट तक ही केवल रिप्लेस कर पाए थे। जो गोंडोफर्निस है ये समय का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में अगर देखा जाए तो लाइक द शकाज दे बिकेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी एंड सोसाइटी। तो ऐसा कुछ खास है नहीं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड देख लेते हैं। हालांकि इसमें भी कुछ खास नहीं है, ओनली वन थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर द इंस्क्रिप्शन। तो जो इंस्क्रिप्शन है वो ध्यान रखिएगा, तख्त ए बाही, ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। और यहां से हमें गोंडोफर्निस के बारे में जानकारी मिलती है। इन द रीन ऑफ गोंडोफर्निस सेंट थॉमस जो है वो इंडिया में आया था एंड प्रोपेगेटेड द क्रिश्चियनिटी, लेकिन अल्टीमेटली इनकी डेथ हो जाती है। इस डेथ के बाद अल्टीमेटली हमारे पास नई डायनेस्टी आ जाती है, दैट इज द कुशन डायनेस्टी। कुशन डायनेस्टी के बारे में बात कर लेते हैं। कुशंस जो थे बेसिकली कहा जाता है कि देवर मंगोल्स, ये जो है वो मंगोल्स हैं और मंगोल्स के भी पैस्टोरलिस्ट है, देवर द पैस्टोरलिस्ट, या फिर बोल सकते हैं देवर द नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। नोमैडिक का मतलब होता है जो भी घूमते घामते रहते हैं, दे आर नॉट द परमानेंट सेटलर्स, ठीक है, ये परमानेंट एक जगह पर नहीं रहते थे। उस टाइम पे जो चाइना है, इनफैक्ट चाइना मैंने काफी नीचे बनाया, चाइना ऊपर यहां कहीं पर था एंड दिस एरिया वॉज द तिब्बतन एरिया, ऑटोनोमस रीजन होती थी। तो जो चाइना का रीजन था यहां पर हिंगनू एक राजा था, दिस वॉज द हिंगनू। हिंगनू के साथ में अल्टीमेटली ये जो मंगोल्स जो कुशंस हैं, कुशंस बेसिकली कुशंस नहीं थे, इससे पहले ये यूची कहे जाते थे और ये यूची बेसिकली तिब्बतन एरिया में रहते थे। इनके साथ में ये बेसिकली अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट है और ये हिंगनू के साथ में क्लैश हो जाती है, अल्टीमेटली वॉर होती है। वॉर के दौरान में जो यूची के जो भी इसके ट्राइब्स हैं मतलब जो भी इसका टेरिटरी है उसका जो हेड था उसको ये हिंगनू मार देता है। मार देने के बाद यूची ऑब्वियसली डिफीट हो गया, तो डिफीट होने के कारण से दे मूव्ड, दे फोर्स्ड टू मूव इन द वेस्टर्न टेरिटरी ऑफ द इंडिया। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट जब ये आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इन्हें दूसरी डायनेस्टियों से, दूसरे लोगों से वॉर लड़ना पड़ता है और उसमें सबसे पहले एक और इसी तरीके के नोमैडिक पास्टोरलिस्ट रहते हैं जो कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में रह रहे होते हैं, जिनका नाम रहता है वुसून। वुसून के साथ में इसका वॉर होता है और वुसून यहां पर हार जाता है। वुसून जो है वो हार जाता है। हारने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, इस एरिया पे यूची का कब्जा हो जाता है। यूची जब और आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली यहां पर शकाज मिलते हैं इनको और शकाज से अगेन शक जो है वो हार जाते हैं, इनकी भी डिफीट हो जाती है एंड दे वर फोर्स्ड टू मूव इनसाइड इंडिया। और इस तरीके से शक डायनेस्टी इंडिया में आती है, जहां पर पहली अफगानिस्तान में जाती है, दूसरी मथुरा में जाती है, तीसरी तक्षशिला में जाती है, चौथी उज्जैन में जाती है और पांचवी फिर अल्टीमेटली नासिक में जा रही होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब वुसून का खेल ये रहता है कि ये फिर से अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है और जाता है और हिंगनू के साथ में मिल जाता है, क्योंकि इसको पता चल जाता है कि देखो यार हिंगनू ने इनको हराया है तो फटाफट चलो उन्हीं के पास से ही कुछ हमें सहायता, उन्हीं के पास से हमें कुछ हेल्प मिल सकती है। एज पार्ट ऑफ रिजल्ट वुसून एंड हिंगनू कोऑपरेटिवली दे अटैक्ड ऑन द यूची ट्राइब, क्योंकि यूचियों का इलाका काफी बड़ा हो गया है। फर्स्टली दे डिफीटेड द वुसून एंड देन दे डिफीटेड शकाज, तो अल्टीमेटली इनका एरिया काफी ब्रॉड हो गया था। तो ये दोनों जब मिलकर के अटैक करते हैं तो वुसून इस समय ऑब्वियसली जीत जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो हिंगनू के साथ में मिलकर आ रहा है। जीत जाने के कारण अब जो यूचीज हैं ये यूची डिस्पर्स हो गए इन द रीजन ऑफ बैक्ट्रिया, पर्शिया एंड
पार्थिया और कुछ पार्ट जो है वो इधर ऑक्सस वैली जो कि मुल्तान के पास में है, इस पूरे इलाके में ये फैल जाते हैं। फैलने के बाद अल्टीमेटली क्या होता है, पूरी कहानी एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, फिर हम लोग स्लाइड में आएंगे ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाए मेनली। तो ये जो बेसिकली ऑक्सस के पास में जो लोग रहते थे, यूची जो बच गए थे, वो फिर ऑर्गेनाइज होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ कटफिसेज। कटफिसेज इसमें एक राजा होता है जो कि कह सकते हैं कि ट्राइबल का एक तरीके से लीडर होता है, जो ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज करके बेसिकली जितने भी एरिया में यूची फैले हुए हैं, चाहे वो बैक्ट्रिया में हो, चाहे वो मुल्तान के एरिया में हो, मतलब ऑक्सस में हो, या फिर पर्शिया में हो, या फिर पार्थियन एरिया में हो, चाहे जहां पर भी हो, सबको ये यूनाइट करता है और कटफिसेज सबका राजा बन जाता है। एज पार्ट ऑफ द रिजल्ट ये कटफिसेज अब स्ट्रांगली अटैक करता है ऑन द इंडिया, मतलब कि इंडिया में ये जो यहां पर पार्थियंस आ गए हैं ना, तो ये बेसिकली अटैक करता है पार्थियंस के ऊपर, और इस पार्थियन के ऊपर अटैक करने में इसको मदद मिलती है हर्मियस की। हर्मियस उस समय यहां का राजा रहता है, हर्मियस की मदद मिलती है और अल्टीमेटली ये कुशन डायनेस्टी को इंडिया में एस्टैब्लिश करने में सफल हो जाता है। तो एक आइडिया लग गया क्या चीज है। अब हम लोग जरा वन बाई वन करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो कुशंस, ऑल्दो ये स्लाइड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, तो कुशंस और द क्विशांग वर वन ऑफ द फाइव ग्रेट यूची, समझ गए, तो यूची प्रिंसिपैलिटीज इन द फर्स्ट सेंचुरी सीई। कुजुल कटफिसेज और जो कटफिसेज वन, जिसको कि मैंने बोला यहां पर ही वॉज द लीडर, ही एक तरीके से ये उभर करके सामने आया था, ये निकल करके सामने आया, ब्रॉट टूगेदर दीज फाइव प्रिंसिपैलिटीज एंड फाउंडेड द कुशन एम्पायर। द कुशन मूवमेंट इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू फर्स्ट सेंचुरी सीई ड्यूरिंग कटफिसेज वन टाइम, ठीक है। आगे अगर बात किया जाए इसमें, तो कुशंस जो है दे वर कंसीडर्ड एज वन ऑफ द फाइव ब्रांचेस ऑफ द यूची हु लिव्ड इन द चाइनीज फ्रंटियर और सेंट्रल एशिया, क्योंकि ये चारों इलाके में फैल गए थे एंड वन ऑफ द एरिया वाज आल्सो द चाइनीज फ्रंटियर। दे आर नोन एज ग्विशांग इन द चाइनीज सोर्सेज, इनफैक्ट चाइनीज सोर्सेज में इनको बहुत बड़ा वॉरियर भी बताया गया, और इनफैक्ट ये बोला गया है कि ये दे आर द वॉरियर्स ऑफ द इंडिया, मतलब इंडिया में ये वॉरियर थे और इंडिया को इन्होंने जीत लिया था, ऐसा चाइना के सोर्सेस बताते हैं। दे इवेंचुअली एक्वायर्ड डोमिनेंस ओवर द अदर यूची ट्राइब, कौन, कटफिसेज। कटफिसेज जो है वो बाकी यूची को ऑर्गेनाइज कर लेता है, मतलब कि डोमिनेंस अपनी एस्टैब्लिश कर लेता है। दे मूव्ड ईस्टवर्ड टुवर्ड इंडिया डिफीटिंग द पार्थियंस एंड शकास इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी, देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से ये ईस्टवर्ड में आता है इंडिया में, बेसिकली ये हिंदू कुश को क्रॉस करके आते हैं, और हिंदू कुश के पास में ही एक राजा रहता है जिसका नाम रहता है हर्मियस। इस हर्मियस के साथ मिलकर के बेसिकली ये कुछ दिनों तक रूल करते हैं। रूल करने पर हर्मियस और जो कुशंस है, इन दोनों की काफी अच्छी कोऑपरेशन रहती है, जिसको कि हम लोग कॉइन्स में देख सकते हैं। जो भी कुशंस ने कॉइन निकाली थी उसमें फर्स्ट फेस, जो फ्रंट फेस है उसमें अगर हर्मियस की फोटो बनी हुई है, तो बैक फेस पर कुशंस की फोटो बनी हुई है। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है कि यहां पर आपस में कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब जरा कटफिसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग, कि आखिर में ये जो कुजुल कटफिसेस है या जो भी कटफिसेस है वो आखिर में मतलब क्या है इसमें, देखिए। अच्छा, एक चीज यहां पर जरा ध्यान में से समझने की जरूरत है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी, मतलब 30 सेंचुरी एडी और 80 एडी के बीच में अगर है यहां पर, तो यहां पर बेसिकली सातवाहन का एक तरीके से रूल हो रखा है। सातवाहनाज हैं, इस साइड में शकाज हैं, ये तो आप लोगों को क्लियर ही होगा, और ऊपर के साइड में पार्थियंस हैं, क्लियर, ये पार्थियंस हैं, और अटैक कर दिया गया है तो अब ये कुशंस का एरिया बन गया है। सातवाहन भी अपने अब डिक्लाइन पे आ गया होगा, डिक्लाइन पे आ जाएगा, है ना। तो डिक्लाइन पे आने पर, बल्कि कुशंस के ही जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो फ्यूड्स थे, वही बेसिकली इन सातवाहन को अल्टीमेटली यहां से हटाए थे और यहां पर गुप्ता डायनेस्टी लेकर के आए थे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्या, इनफैक्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, इन द नेक्स्ट वीक वी विल टॉक अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन इन एनी एग्जाम ऑफ यूपीएससी। कुजुल कटफिसेस के बारे में अगर फटाफट बात किया जाए, तो कुजुल कटफिसेस वॉज द फर्स्ट यूची चीफ टू ले द फाउंडेशन ऑफ कुशन एम्पायर इन इंडिया, क्योंकि इसी ने तो बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो he established his supremacy over काबुल, फिर कांधार, फिर अल्टीमेटली अफगानिस्तान, और यहां पर जो भी शक रूलर थे उनको फटाफट हटा दिया। तो यहां पर
जो कटफिसस था उस कटफिसस के बाद अल्टीमेटली जो दूसरा रूलर आता है उसका नाम रहता है विम कटफिसस। अच्छा यहां पर ध्यान में रखिएगा कि जो कॉपर क्वाइंस निकाली गई थी, मतलब जो क्वाइंस निकाली गई थी कटफिसस के द्वारा, वो कॉपर की थी और इस पर ऑलरेडी मैंने बता दिया एक साइड में हर्मियस की फोटो थी और दूसरे साइड में कटफिसस की फोटो थी। ये दोनों की फोटो बेसिकली यहां पर लगी हुई थी। क्लियर हो गया। अच्छा विम कटफिसस इसके बाद से आता है सेकेंड रूलर जो कि कटफिसस वन को यहां से रिप्लेस कर देता है। तो विम कटफिसस 95 एडी टू 127 एडी। देखिए ये रूल जो टाइम पीरियड है वो याद करने के ऐसा जरूरी नहीं है, सिविल सर्विसेज में आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ एटलीस्ट अगर आपको एक आइडिया रहेगा तो आप इंडिया में कौन कंटेम्प्ररी है, कौन किस समय रूल कर रहा है, इसके बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं। तो ये केवल और केवल आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ही अगर याद करना है तो याद कर सकते हैं, अदरवाइज एक आइडिया ले लीजिए केवल कि किस समय किसका रूल था। क्लियर हो गया। अच्छा विम कटफिसस के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो यहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है रबातक में अफगानिस्तान में जो बताता है कि विम कटफिसस जो है बेसिकली फादर ऑफ कनिष्क था। तो इस तरीके से यहां पर सीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट रूलर जो आएगा वो कनिष्क आएगा, काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहता है। अच्छा यहां पर सीन ये रहता है, इसका जो रूल रहता है विम कटफिसस का वो ईरान मतलब कि उस समय के पर्शिया से लेकर के आगे पूरा का पूरा गंगा वैली तक इसका राज हो जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा कुशन का इलाका हो गया है। एंड द कुशन का इलाका में रूलर कौन है? विम कटफिसस। तो ये काफी बड़ा इसका एरिया रहता है। बड़े एरिया में रहने के कारण यहां पर जो चाइनीज रूलर है ये भी अब अपना टेरिटरी एक्सपेंड करने पर लगे हुए हैं। तो टेरिटरी एक्सपेंड करने पर यहां पर जो राजा रहता है उसका नाम रहता है पान छाओ। ये जो पान छाओ है ये बेसिकली इंडिया पर भी अटैक होता है इसका, मतलब कि विम कटफिसस और पान छाओ ये दोनों एक दूसरे के मतलब आमने सामने आते हैं और यहां पर दोनों में वॉर होती है। वॉर में जो विम कटफिसस है वो हार जाता है, पान छाओ ये जीत जाता है और इस तरीके से पान छाओ का भी एक कह लीजिए डोमिनेंस हमें इस कुशन पीरियड पे देखने को मिलता है। He issued a large number of gold coins. This is very important. Exam में पूछा जाता है कि gold coins सबसे पहले किसने निकाला, तो आप बता सकते हैं विम कटफिसस इन स्पेसिफिक एंड कुशंस इन पर्टिकुलर। तो इस तरीके से यहां पर बात कर सकते हैं कि कुशंस ने सबसे पहला गोल्ड क्वाइन निकाला था। इनफैक्ट कुशन में जो कनिष्क था वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर फॉर्मेट ऑफ द गोल्ड क्वाइन निकाला था। ही वॉज शिवा डिवोटी एंड इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स क्वाइन, क्योंकि क्वाइन पे इसने कई तरह की ऐसी चीजें बनवाई थी जैसे महेश्वर और ये सब चीजें बनवाई थी जिसे पता लगता है कि ये एक तरीके का शिवा डिवोटी था। इसने जो गोल्ड क्वाइन निकाली थी वो बेसिकली रोमन गोल्ड क्वाइन से इंस्पायर होके निकाली थी। लार्ज नंबर ऑफ रोमन गोल्ड क्वाइन फाउंड फ्रॉम दिस एरा इंडिकेट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया एट द टाइम एंड ऑल्सो द ग्रोइंग ट्रेड विद द रोमन्स। अच्छा अब इसके बाद से एक और चीज यहां पर छोटी सी याद कर लीजिएगा क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इनफैक्ट स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विम कटफिसस ने कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क को चाइना भेजा था, बुद्धिस्ट मॉन्क को चाइना भेजा था और इनका नाम क्या था? इनका नाम था कश्यप मातंग। दिस इज कश्यप मातंग एक है और दूसरे का नाम है धर्मरत्न। दिस इज धर्मरत्न। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में बुद्धिस्ट मॉन्क को लेकर के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट बुद्धिज्म का जो एरिया है काफी ज्यादा फेवरेट एरिया होता है, स्टेट पीसीएस हो या फिर सिविल सर्विसेज हो। अब जरा आगे बात करते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रूलर है और इसने बेसिकली एक कह लीजिए शक संवत भी इसने चलवाया था। ही कंसिडर द ग्रेटेस्ट कुशन किंग एंड ऑल्सो अ ग्रेट किंग ऑफ एंशियंट इंडिया, सन ऑफ विम कटफिसस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन दिस किंगडम। इसका जो एरिया था वो जरा समझिएगा, एक अफगानिस्तान का एरिया था, ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था ये पूरा का पूरा एरिया कुशंस का हो रखा था लेकिन इसमें पान छाओ ने जो है वो अटैक कर दिया था। तो यहां से इसका एरिया जो है अफगानिस्तान, दिस इज अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का एरिया रहता है। इसके पास में सिंधु का एरिया है, दिस इज सिंधु का एरिया। इसके अलावा पार्थिया, पंजाब, कश्मीर, पार्ट ऑफ मगध इंक्लूडिंग द पाटलिपुत्र, मालवा, बनारस, परहैप्स पार्ट ऑफ द बंगाल, कोटन एंड कचघर, याकैन। तो इस तरीके से यहां का जो एरिया है वो काफी ज्यादा एक तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्मेट में था। इसका जो एरिया था वो कवर करता था गांधार को, पेशावर को, अवध को,
पाटलिपुत्र कश्मीर और मथुरा को, हिज किंगडम ऑल्सो इंक्लूडेड उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के भी कुछ पार्ट को ये अट्रैक्ट करता था। क्लियर हो गया? तो अट्रैक्ट मतलब कि इसके अंडर में थे। कनिष्क के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लेकर के आई थी। इसका जो मेन कैपिटल था वो था पेशावर, और हालांकि इसके दो कैपिटल थे, वन वॉज द पेशावर एंड अनदर वन वॉज द मथुरा। तो दो कैपिटल थे, आप देख भी सकते हैं इसका जो मेन सेंट्रल पॉइंट निकल के आएगा वो पेशावर ही निकल के आ सकता है। उस समय इसका नाम था पुरुषपुर, तो बेसिकली पुष्पुर नाम रखा हुआ था। आफ्टर द कैप्चर ऑफ पाटलिपुत्र ही सेड टू हैव टेकन अवे द बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोष विद हिम। जैसे हुआ क्या था कि इसने अटैक जब किया था तो ये अपने साथ में बुद्धिस्ट मॉन्क अश्वघोष को लेकर गया था, और साथ ही साथ में जो बुद्धिस्ट रेलिक्स भी पड़े हुए थे मगध में उनको भी उठा करके लेकर के गया था, क्योंकि बुद्धिस्ट फॉलोअर था। आगे अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ स्कॉलर्स हैं इनके कोर्ट में, जैसे पार्श हो गया, अश्वघोष हो गए, वासुमित्र हो गए, नागार्जुन हो गए, चरक हो गए और मंथरा हो गया। तो ये बेसिकली जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं जो कि बेसिकली इसके कोर्ट में थे। इसमें से कुछ का नाम आपको इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना है, जैसे यहां पर इसका जो मथरा है ये जो है वो उसका मंत्री था, मतलब ये जो है पॉलिटिकल एडवाइजर भी आप इसको बोल सकते हैं। चरक आपको पता ही है, चरक संगीता यानी कि आयुर्वेद से रिलेटेड है। नागार्जुन, वासुमित्र एंड अश्वघोष ये सब राइटर थे इसमें। कनिष्क कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। यहां पर क्या है कि इसने कश्मीर में कुंडल वन में किया था, ठीक है? तो कश्मीर के कुंडल वन में, इनफैक्ट कश्मीर में इसने एक कनिष्कपुर भी स्थापित किया था। कनिष्कपुर इसने एक नया सिटी डेवलप किया था। ही पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म ऑल्दो ही वॉज वेरी टॉलरेंट इन हिज रिलीजियस व्यूज। हिज कॉइन वर मिक्स ऑफ द इंडियन, ग्रीक एंड ज़ोरास्ट्रियन डाइटीज। तो इसके जो कॉइन्स है वो काफी ज्यादा मिक्स फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी मैं कॉइन्स के बारे में बता रहा हूं, हालांकि इसको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर कई लोग लगातार मेरे से पूछते रह रहे हैं आजकल, बार बार मैं भूल जाता हूं आप लोगों से डिस्कस करना। देखिए, जितनी भी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं वो प्रीलिम्स के लिए भी है, साथ ही साथ में ये मेंस के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए कोई चीज अलग होती है और मेंस के लिए अलग होती है। हम लोग थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीजों के बारे में हमें एक आइडिया रहे। सपोज यहीं पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं कॉइन्स है। अब आपको पता है कि कनिष्क जो है वो बेसिकली एक तरीके से यहां पर इसके पास तिब्बतन भी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए क्योंकि इसी इलाके से निकल के आ रहे हैं, मंगोलियन भी होना चाहिए, चाइनीज भी होना चाहिए, प्लस ये ऐसे एरिया को कैप्चर करके रखे हैं जहां पर ग्रीक भी चलती है, अरामिक भी चलती है और एक तरीके से खरोष्ठी भी चलती है। तो इन सारे के सारे इफेक्ट्स इनके जो भी आर्ट एंड कल्चर उस पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल देख भी सकते हैं, जैसे कॉइन है इसमें इंडियन एक इफेक्ट दिखता है, ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, ज़ोरास्ट्रियन मिल रहा है। तो आखिर में एक तो तरीका आप ये रट्टा मार लीजिए और कि इनके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए ताकि इनके जो क्वाइंस हैं उनके आप एक तरीके से उसके बारे में आप एक गेस वर्क कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप मान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों को हम लोग पैरेलली लेके चल रहे हैं। ऑल दो वी आर राइट नाउ फोकसिंग ओनली ऑन प्रीलिम्स, मेंस के लिए सेपरेटली आप लोगों की अलग से क्लासेस आएंगी, तो इसके लिए आप लोग चिंता मत करिए, सेपरेटली क्लासेस आएंगी बट दैट विल बी काइंड ऑफ डिफरेंट मेथडोलॉजी से होंगी, वो अलग होंगी। जैसे हम लोग बात करेंगे उसमें क्वाइंस को लेकर के पूरा टॉपिक बात करेंगे, तो उसमें हम लोग सिंस द बिगनिंग टिल द एंड हम लोग बातें करेंगे क्वाइंस में किस तरीके से डेवलपमेंट हुई, क्या हुई, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सब चीजें रहेंगी इसमें। तो मेन्स को हम लोग थोड़े अलग तरीके से टैकल करेंगे। यहां पर हम लोग इंफॉर्मेटिव जो है एक तरीके से डिस्कशन करते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन जब मेंस की पढ़ाई करनी होती है वहां पर हम लोग एनालिटिकल डिस्कशन करते हैं, मतलब वहां पर एनालिसिस देखनी होती है कि क्या चीज हो रही है और क्यों हो रही है एंड क्वेश्चन भी कैसे, मतलब आंसर कैसे हमें लिखना होगा। तो थोड़ी सी मेथडोलॉजी में अंतर होता है प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है? चलिए खैर, तो इसको हम लोग जरा यहां पर स्किप करते हैं। आपसे कोई ये मत पूछिएगा कि प्रीलिम्स और मेंस किसके लिए रेलेवेंट है, तो आप समझ ही गए होंगे बेसिकली क्या है यहां पर। ओके, तो ही वाज आल्सो अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसने एक नया तरीका गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो फ्लॉरिश किया था। इसको हम लोग सेपरेटली देखेंगे, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, अमरावती, ये अलग सब देखेंगे क्या चीज है।
He also propagated the Mahayan form of Buddhism and he was largely responsible for propagating it in China. इसने जो है चाइना तिब्बत इस इलाके में जापान इस इलाके में इसने अपने बुद्धिस्ट मॉन्क भेज करके प्रमोशन किया था बुद्धिज्म का. इस तरीके से इंडिया से बाहर बुद्धिज्म स्प्रेड हुई है. इट इज नॉट नोन हाउ ही डाइड, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं मिलता है. अच्छा यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट है कुशन सॉरी कलहण के बारे में. दिस इज कलहण. कलहण के बारे में एक काफी इंपॉर्टेंट है. इसने राज तरंगड़ी एक बुक लिखी हुई थी जिसमें कनिष्क कपूर के बारे में पता चलता है और यही कनिष्क कपूर है जो बेसिकली इसने एस्टैब्लिश किया था. ठीक है, तो इसने बेसिकली दो सिटी एस्टैब्लिश की थी, एक कनिष्कपुर इन द कश्मीर, दिस इज कनिष्कपुर, और दूसरा तक्षशिला के पास में इसने सिरकप जो है इसने एक सिटी जो है एस्टैब्लिश किया था. तो दो सिटी है, वन इज द कनिष्कपुर, सेकंड वन इज द सिरकप. ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखिएगा. इसके बाद से अगर बात किया जाए कि आखिर में डिक्लाइन ऑफ कुशंस कैसे हुआ है, तो कनिष्क के बाद में कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं. जैसे एक का नाम रहता है हुविष्क, दिस इज हुविष्क, और हुविष्क के बाद अल्टीमेटली जो लास्ट रूलर रहता है उसका नाम रहता है वासुदेव. तो ये दो रूलर हैं जिनका नाम भी अगेन आप लोग याद रखिएगा. कनिष्क के बाद जो हुविष्क रहता है उसका भी वॉर शक रूलर के साथ में होता है, रुद्रावन के साथ में होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इलाका नीचे की ओर में जाते आ रहे हैं और इस इलाके में शक है, तो शक के साथ में इनका वॉर होना ही था. और उस समय रुद्रामन था इसका राजा, रुद्रामन मतलब रुद्रामन थ्री, द लास्ट रूलर ऑफ द शका ऑल्सो. ठीक है, तो इसके साथ में इसका वॉर होता है और अल्टीमेटली हुविष्क जो है वो हार जाता है. हार जाने के कारण ऑब्वियसली इसका डिक्लाइन होगा, मतलब इसे अपनी टेरिटरी थोड़ी रिड्यूस करनी पड़ेगी. तो इसका ये जो मथुरा वाला जो राजधानी था वो हटा करके ये पेशावर में केवल और केवल चले जाते हैं. मतलब इनका इंडिया से डिक्लाइन होना शुरू हो गया, इंडिया से ये बाहर जाने शुरू हो गए थे, क्योंकि इनकी राजधानी देख सकते हैं आपकी पेशावर में ट्रांसफर हो गई है. और अल्टीमेटली जो वासुदेव आते हैं उसकी टेरिटरी जो है और ज्यादा डिक्लाइन हो जाती है और काफी ज्यादा एक रिड्यूस्ड फॉर्मेट में, और अल्टीमेटली कुशंस जो है वो अपने डिक्लाइन एज में पहुंच जाते हैं. कनिष्क वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन वशिष्क, और उसके बाद से वशिष्क वॉज फॉलोड बाय हुविष्क एंड कनिष्क टू, यानी कि सन ऑफ वशिष्क हो जाता है. कनिष्क टू वॉज फॉलोअर ऑफ वासुदेव, और इस तरीके से इसकी इतनी लंबी चौड़ी डायनेस्टी है उसको याद करने की ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है. बस आपको क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एम्पायर के बारे में पता होना चाहिए किस तरीके से इनका डिक्लाइन अल्टीमेटली हो गया. क्लियर हो गया क्या चीज है. तो हम लोगों ने बेसिकली कनिष्क और कुशंस के बारे में काफी डिटेल्ड डिस्कशन किया. अब हम लोग जरा आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इनके चीजों पे. तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बात करें अगर, तो दे आर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल एशिया. ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि ये बेसिकली एक्चुअल में यूची ट्राइब थे जो कि नोमैड्स थे, नोमैडिक ट्राइब्स या फिर नोमैडिक पास्टोरलिस्ट जो कि अल्टीमेटली इधर उधर बट गए थे और फिर ऑर्गेनाइज होकर के एक किंगडम के फॉर्मेट में निकल के आए थे. देयर एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द ऑक्सस टू द गंगा. ऑक्सस बेसिकली ये मुल्तान में है. याद करिए जब हम लोगों ने अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के बारे में बात किया था, तो सिकंदर क्या था, व्यास नदी के पास से फिर अल्टीमेटली जब रिटर्न हो रहा था तो मुल्तान होकर के जा रहा था, जहां पर ऑक्सस वैली में ही इसका वॉर होता है जो भी मल्लोई वहां की ट्राइब थी उनके साथ में. और वहां पर हालांकि सिकंदर हरा देता है लेकिन सिकंदर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है जिसके कारण आगे जाकर के बगदाद में उसकी डेथ हो जाती है. ये वही ऑक्सस है, ऑक्सस से गंगा एंड फ्रॉम द खोरासन इन सेंट्रल एशिया टू द वाराणसी इन द यूपी. तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अवध वगैरह का इलाका भी इसने कैप्चर करके रखा हुआ है. हालांकि इस टेरिटरी में मतलब कि इस कुशन डायनेस्टी में दो इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, वन इज द कटफिसेस जो कि शुरुआत किया था, और कनिष्क जो है वो इंपॉर्टेंट रूलर रहता है. याद रखिएगा इसने प्योरेस्ट फॉर्मेट ऑफ गोल्ड के कॉइन चलाए थे. ठीक है, कटफिसेस इश्यूड गोल्ड कॉइन लेकिन प्योरेस्ट फॉर्मेट कनिष्क का था, और कनिष्क ने जो है अपने पावर को इंडिया के अपर नदन टेरिटरी में और इंडस वैली तक जो है लेकर के गया था. इनके कैपिटल मथुरा और पेशावर में थे, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है. कनिष्क इज द मोस्ट पॉपुलर कुशन किंग, ही स्टार्टेड एन एरा कॉल्ड शक एरा. दिस इज इंपॉर्टेंट, शक एरा इसने स्टार्ट किया हुआ था 78 AD से. अगर इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें तो ये जो है बेसिकली डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप के बारे में इसमें पता चलता है. क्यों, क्योंकि इनका जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन डाइटी से किया जाता है, जैसे यम से किया जाता है और भी कई लोगों से इस तरह से किया जाता है. तो यहां पर ये ध्यान में रखिएगा कि इनकी जो कंपैरिजन है वो
कहीं ना कहीं हमें एक कह लीजिए कि जो है वो डिवाइन ओरिजिन देखने को मिलती है। इन्होंने क्षत्रप सिस्टम स्टार्ट किया था। क्षत्रप का मतलब कुछ नहीं होता, एक तरीके का स्टेट ही होता है। किंग को ये लोग क्षत्रप बोलते हैं, जैसा कि शक डायनेस्टी में भी बोला जाता था। इनकी मिलिट्री गवर्नरशिप थी, मिलिट्री गवर्नर के फॉर्मेट में हुआ करते थे। नेक्स्ट वन इज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बात कर लिया जाए अगर, तो दे गॉट असिमिलेटेड इन टू द इंडियन ट्रेडिशन। ये कैसे पता चलता है? देखिए, जो कुशंस थे वो शुरुआती दिनों में देवर द ट्राइब्स, इनकी कोई रिलीजन नहीं था, लेकिन ये अल्टीमेटली बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। ऑल्दो इन्होंने काफी ज्यादा पैटर्नाइज भी किया था, खैर ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। द कुशन रूलर वर्शिप्ड बोथ शिवा एंड बुद्धा। सेवरल कुशन रूलर वर्शिप्ड विष्णु ऑल्सो, यानी कि वैष्णव जो सेक्ट है और शैव सेक्ट, दोनों के दोनों इस समय फ्लरिश हो रहे थे। कनिष्क कन्वीन्ड फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, इसमें कुछ स्कूल ऑफ आर्ट भी आते हैं, लाइक गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। इसको मैं फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी कुछ यहाँ पर डिस्कशन करने को है। तो कई सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि आर्ट जो मथुरा स्कूल की थी वो मथुरा, सारनाथ और कौशाम्बी में बेसिकली डेवलप हुई थी। रेड सैंडस्टोन यहाँ पर यूज किया जाता था। बुद्धिज्म, जैनिज्म और ब्राह्मणिज्म को ये कवर करती थी, और बाकी जिन इमेजेस और बुद्धिस्ट इमेजेस को ये बना रहे होते थे। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे, हम लोग आगे करेंगे इसके बारे में। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड थोड़ी सी अगर डिस्कशन देखी जाए इसमें, तो दे यूज द बर्न्ड ब्रिक फॉर फ्लोरिंग एंड टाइल्स फॉर बोथ रूफिंग एंड फ्लोरिंग। यहां पर जरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है कि अभी तक देखिए स्टोन्स से बनाया जाता था। इनफैक्ट इन द गुप्ता एज वी विल डिस्कस द टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जहां पर हम लोग बात करेंगे पहले ये स्टोन्स से बनाई जाती थी, हालांकि कुछ जगह पर ब्रिक का भी हमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, लेकिन फिलहाल यहां पर बर्न्ड ब्रिक्स फ्लोरिंग के लिए, मतलब एक तरीके से कह लीजिए छत बनाने के लिए यूज किया जाता था। इसके अलावा ब्रिक वेल्स भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, रेड वेयर प्लेन्स एंड पॉलिश्ड स्प्रिंकलर और मतलब इरिगेशन के लिए भी काफी कुछ काम किया गया है। इंट्रोड्यूस टर्बन मनियक ट्राउजर एंड हैवी लॉन्ग कोट, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां से एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये जो फ्रेंच का एक तरीके से कॉस्ट्यूम होता है, उस तरीके के कॉस्ट्यूम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिए गए। पता कहां चलता है? एक्चुअली पता यहां चलता है कि मथुरा में कनिष्क की एक कह लीजिए कि जो होता है वो मूर्ति मिली हुई है, एक स्टैच्यू मिला हुआ है, और वहां पर कनिष्क के इस पूरे के पूरे पहनावे के बारे में, कॉस्ट्यूम के बारे में पता चलता है, जिसमें ये टर्बन लगाया हुआ है, ट्यूनिक है, ट्राउजर है और हैवी लॉन्ग कोट है और लॉन्ग बूट्स भी हैं। अगर इसके टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया जाए, तो इंट्रोड्यूस द कैवलरी एंड यूज ऑफ द राइडिंग हॉर्स, दे मेड कॉमन द यूज ऑफ रीन एंड सैडल, दे यूज टू स्टिरप्स यूज बाय द रोप टू फैसिलिटेट देयर मूवमेंट। ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहां से आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि इनके जो एक तरीके की डिफेंस सिस्टम है वो थोड़ी टेक्नोलॉजी वाली हो गई थी, यानी कि थोड़ा अपडेट कर दिया गया था, जहां पर कैप, हेलमेट्स, बूट्स ये सब पहना दिए गए थे, जिससे कि लाइफ सेविंग बढ़ जाए। लास्टली लिटरेचर के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। दो लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, वन इज द अश्वघोष की लिटरेचर, जिसने बुद्ध चरित लिखा हुआ है और सुंदरानंद लिखा हुआ है, दूसरा है अवधंस कंपोजिशन ऑफ महायान बुद्धिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी आज की हमारी, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली कुशन को कवर किया और स्पेशली हम लोगों ने कनिष्क को कवर किया, और इसमें हम लोगों ने एक छोटा सा डिस्कशन पार्थियंस यानी पहलव के बारे में भी बात किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मटेरियल मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।